हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं गौतम लाइफ ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन साइनेज के बारे में जानेंगे। इन साइनेज का क्या मतलब है, कितने यूज़फुल हैं ये हमारी लाइफ में, ये साइनेज आपने इसे अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल जगहों पर ज़रूर देखा होगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक टावर है जिसका नाम है ए। अब टावर ए में कुल मिलाकर 50 फ्लोर है। मान लीजिए 25th फ्लोर पर आग लग गई और आग इतनी भीषण है कि अब ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो ऊपर वाले जिस एरिया में कलेक्ट होंगे अपने आप को बचाने के लिए, उस एरिया को कहेंगे रिफ्यूजी एरिया, और नीचे फ्लोर वाले जिस एरिया में जाके कलेक्ट होंगे, दैट इज़ कॉल असेंबली पॉइंट। जिस पॉइंट पे जाकर वो कलेक्ट होंगे अपनी जान बचाने के लिए, अपने को सेफ रखने के लिए, उस पॉइंट को कहते हैं असेंबली पॉइंट। तो फ्रेंड, रिफ्यूजी एरिया जो होता है, ये गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बनाया जाता है। अगर आपकी जो बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मीटर है, तो 7th फ्लोर पर आपका एक रिफ्यूजी एरिया होना बहुत ज़रूरी है एज़ पर बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इमारत की ऊंचाई, आपके बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर है, तो आपका 24th मीटर वाला जहां पे आपका 24th मीटर होगा, वहां पे आपको एक रिफ्यूजी एरिया डिक्लेयर करना, बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इमारत की ऊंचाई 70 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपको 7 के टेबल में रिफ्यूजी एरिया क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब 7 के टेबल से मतलब है, अगर आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई 70 से 80 फ्लोर की है, तो जो पहला रिफ्यूजी एरिया होगा वो 7th फ्लोर पर होगा, दूसरा रिफ्यूजी एरिया होगा वो 14 पर होगा, तीसरा रिफ्यूजी 21 पर, चौथा 28 पर, पांचवा 35 पर, फिर 42 पर। इस तरह का जो टेबल है, इसी तरह के टेबल में आपको रिफ्यूजी एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये डिक्लेरेशन क्लियर होने से क्या होता है कि लोगों को पता है कि उनका जो नियरेस्ट रिफ्यूजी एरिया कहाँ पर है। तो इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी वो क्या करेंगे, भगदड़ नहीं मचेगी, वो ईजिली जाकर उन एरिया में कलेक्ट हो जाएंगे। फिर फायर ब्रिगेड की टीम को भी ये क्लियरली मालूम है, उनके एरिया में जो इमारतें होती हैं उनको पैटर्न वगैरह सब पूरा पता होता है, कि फायर ऑफिस से क्लियरेंस के बाद ही इमारतें बनाई जाती है। और आजकल जो बिल्डिंग बन रही है, फायर प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आग वगैरह नहीं लगे। तो फ्रेंड्स, तो इनको जब क्लियरली पता होगा रेजिडेंशियल को कि कहाँ पे कलेक्ट होना है, और जब फायर ब्रिगेड टीम को क्लियरली पता होगा कि वो कहाँ पे कलेक्टेड है, तो वहाँ पे जो होता है एक्सेस बहुत इजी हो जाता है, और क्या करेंगे वो उनको इजीली सेव कर सकते हैं। फ्रेंड, जो रिफ्यूजी एरिया होता है वो जो रोड फेसिंग होता है, ताकि दमकल की जो गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, वो ईजिली एक्सेस कर सके। अगर रोड फेसिंग ना होकर वो अंदर हुआ, तो इनके लिए एक्सेस, क्योंकि दमकल की गाड़ियाँ अंदर नहीं जा पाई, फिर वो एक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऐसे में जान माल की हानि बहुत बढ़ जाए। इसलिए जो रिफ्यूजी एरिया बनाया जाता है वो रोड फेसिंग बनाया जाता है, ताकि इजी एक्सेस मिल सके फ्रेंड्स। और कुछ रिफ्यूजी एरिया के बारे में पॉइंट बताऊंगा। तो रिफ्यूजी एरिया में जो होता है, लिफ्ट वगैरह वहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए, वहाँ उस फ्लोर पर लिफ्ट नहीं रुकती है। अब क्या इसका फ़ायदा ये है कि रिफ्यूजी एरिया में जाने के लिए लोग स्टेयर केस का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फायर के केस में क्या होता है, आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए मना किया जाता है, क्योंकि फायर केस में क्या होता है, इमरजेंसी तुरंत ही सब जो पावर है ट्रिप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि लोग लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर लिफ्ट में है तो आप क्या होगा, धुआं लगेगा, धुएँ से सफोकेशन होगा आपको, और आप लिफ्ट के अंदर ही बेहोश हो सकते हैं, फिर मरने की स्थिति भी आपकी आ सकती है। इसीलिए आपको रिकमेंडेड है कि आप फायर के केस में लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए रिफ्यूजी एरियाज में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिफ्ट लैंड वहाँ पर रुकती नहीं है, उसके बाद वाले फ्लोर पर रुकती है, ठीक है। तो रिफ्यूजी एरिया आप देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह का ग्रीन साइन बोर्ड दिया गया, तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर रिफ्यूजी एरिया है। रिफ्यूजी एरिया हमेशा फ्रेंड क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार का सामान नहीं रखा होना चाहिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रखा जाना चाहिए, यही रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं फ्रेंड्स। रिफ्यूजी एरिया को फ्रेंड्स पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी यूज़ नहीं करना, जैसे पार्टी वगैरह फंक्शन हो गई तो खाली जगह है तो वहाँ पर जाकर आपको पार्टी वगैरह नहीं करनी चाहिए, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं फ्रेंड्स।
अब हमने जान लिया है रिफ्यूजी एरिया, आइए जानते हैं असेंबली पॉइंट। फ्रेंड्स अब ये 25th फ्लोर के वालों की कंडीशन हो गई, यहाँ पर ये रिफ्यूजी एरिया में जाके कलेक्ट हुए, उनको इजीली बचा लिया गया। अब 25th फ्लोर के नीचे जो लोग हैं वो जाएंगे असेंबली पॉइंट में। अब असेंबली पॉइंट क्या है? असेंबली पॉइंट वो जगह है जहाँ पर फायर के केस में लोग इकट्ठा होते हैं। अब असेंबली पॉइंट बनाने का भी कोड ऑफ कंडक्ट है बिल्डिंग का, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हिसाब से ही असेंबली पॉइंट बनाना चाहिए। तो फिर इमारत की ऊंचाई है 8 मीटर, तो ठीक है आपका जो रिफ्यूजी एरिया जो होना चाहिए वो 16 मीटर का होना चाहिए। अगर आपकी इमारत की ऊंचाई 8 मीटर है तो आपका जो रिफ्यूजी एरिया है वो टोटली होना चाहिए 16 मीटर का। बाउंड्री वॉल से बिल्डिंग का जो गैप है वो 16 मीटर का होना चाहिए, यही आपका असेंबली पॉइंट है। अब असेंबली पॉइंट में लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वहाँ पर जो फायर ऑफिसर वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, हेड काउंट करते हैं और जान लोग पूछते हैं आपकी फैमिली मेंबर का कोई रह तो नहीं गया है, तो वो नंबर टैली करते हैं, इसके बाद रेस्क्यू खत्म किया जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। फ्रेंड्स आपकी तरफ से कमेंट नहीं आ रहे जिससे मैं ज़रा दुखी हूँ, आप ज़रा कमेंट कीजिए तो मुझे ज़रा मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।